हेलो दोस्तों, आपका खोज चैनल में स्वागत है। खोज चैनल आज आपके लिए जो कहानी लेकर के आया है वो बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसका नाम है बादलों की कहानी। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। और उससे पहले, यदि आपने अभी तक खोज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहानी का नाम है बादलों की कहानी। रोरो खरगोश, जोजो सियार, बार्टी उद बिलाओ और टीना हिरण गर्मी के कारण काफी परेशान थे। वे पसीना बहा रहे थे। रोरो ने कहा, सर्दियों का प्यारा सूरज इतना गुस्से में क्यों है? उसकी किरणें गुलाब के कांटों से भी गहरी क्यों छुपती हैं? जोजो ने प्रकृति के नियमों के बारे में बताते हुए कहा, गर्मी के मौसम में समुद्र का पानी वाष्प के रूप में बदल जाता है और फिर बारिश होती है। बार्टी बोला, आज बहुत गर्मी है, अभी तक बादल क्यों नहीं बने? टीना ने कहा, धैर्य रखो, मैंने सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है। जैसे ही चारों दोस्त बातें कर ही रहे थे कि आसमान में काले बादल घिरने लगे। रोरो ने ताली बजाई और कहा, देखो, सब्र का फल मिल गया। वे सभी खुशी से झूम उठे और बारिश का इंतजार करने लगे। बादल गरजते रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। रोरो ने पूछा, बारिश क्यों नहीं हो रही है? जोजो ने कहा, अरे क्या आप नहीं जानते हैं, ये बादल पानी से भरे बर्तन की तरह हैं। जब तक तुम उनमें छेद नहीं करोगे तब तक वर्षा कैसे हो सकती है? रोरो ने चुटकी ली और कहा, जोजो, बादलों पर बड़े बड़े पत्थर फेंको तब बारिश हो जाएगी। यह सुनकर सभी हंसने लगे। जोजो शर्मिंदा था। बार्टी काफी समझदार था। उसने कहा, बादल बहुत कठोर है, उनसे मीठी मीठी बातें करो तभी वे पिघलेंगे। टीना ने कहा, मोम तो गर्मी से पिघलता है, मीठा बोलने से बादल कैसे पिघल सकते हैं? रोरो बोला, क्या तुमने सुना कि कठोर लोग मीठे शब्दों से पिघल जाते हैं? टीना ने कहा, यह तो एक कहावत है और हम इंसान की नहीं बादलों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ विज्ञान की बात चल रही है। विज्ञान के बारे में सुनकर सब सोचने लगे कि टीना सबसे बुद्धिमान थी। उसने चौथी कक्षा तक विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसने समझाया, दरअसल ये बादल वाष्प है और ठंडे होने के बाद पानी में बदल जाते हैं। रोरो ने पूछा, लेकिन उन्हें ठंडा कैसे करोगे? हमारे घर में तो फ्रिज भी नहीं है। अगर फ्रिज होता तो मैं उसके दरवाजे खोलकर आसमान की ओर इशारा कर देता। टीना बोली, फ्रिज होता तो भी काम नहीं करता, हमें दूसरा रास्ता खोजना होगा। रोरो ने कहा, मैंने सुना है कि हमारे जंगल के पेड़ पौधे ठंडी हवा छोड़ते हैं। आइए हम सब मिल करके पेड़ पौधों को जोर जोर से हिलाते हैं। हो सकता है कि उनसे ठंडक निकले और बादलों तक पहुंचे ताकि बारिश शुरू हो सके। आसान नहीं होगा, और हम यदि पौधों को हिलाएंगे तो वे बेकार हो जाएंगे और उखड़ जाएंगे। सबने एक स्वर में कहा, तो फिर क्या करें? तभी अचानक जंगल की हरियाली से भरी पहाड़ी से ठंडी हवा चलने लगी। जोजो ने कहा, देखो, प्रकृति ने ही हमारा काम आसान कर दिया है, निश्चित रूप से अब बारिश शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद जंगल में भारी बारिश होने लगी। बारिश में सब नाचने लगे। वे बहुत खुश थे। सब इस बात से भी प्रसन्न थे कि उन्होंने बारिश के विज्ञान को समझ लिया था। उन्होंने देखा कि बारिश उन पर कैसे बरसती है। तो दोस्तों, खुश का ये बादलों की बारिश कहानी आपको कैसे लगी? कहानी यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।